नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। और आज के जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ एवं इसके क्षेत्र। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पढ़ने वाले आज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब जो संघ है हमारा, जो हमारा इंडिया है, वो जो कौन कौन से उसके क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये बना हुआ है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो सभी का वर्णन किया गया है संविधान के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से जो 4 है, मतलब एक से चार के अंतर्गत संघ एवं उसके क्षेत्रों की चर्चा यहाँ की गई है। तो जैसे कि बात करते हैं हम राज्यों का संघ, तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, इंडिया यानी भारत, मतलब जिसे हम क्या बोल सकते हैं, राज्यों के समूह और राज्यों के संघ होगा। तो जैसे कि बात करते हैं राज्यों का संघ, तो ये दोनों बातें इस पर इसको स्पष्ट करती है। जैसे कि पहली बात यदि देखें हम, तो देश का नाम और राज्य पद्धति को, जो राज्य पद्धति का प्रकार है उसको दर्शाता है। मतलब संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतैक नहीं है, मतलब एक मत बोलते हैं हम, वो मत नहीं है, मतलब किसी ने उसको भारत कहा है, किसी ने इंडिया कहा है। तो यदि हम देखें तो अलग अलग प्रकार से, जैसे कि भारत की अगर नॉर्मली बात करें तो लोगों का कहना क्या रहता है कि भारत यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है और इंडिया यानी शहरी क्षेत्र है, तो ऐसा भी कभी कभी न्यूज़पेपर में छपा जाता है, पर ऐसा नहीं है। तो कुछ सदस्यों ने सलाह क्या दी, परंपरागत नाम यानी भारत को ही रहने दो, जबकि कुछ ने इसे आधुनिक नाम बोले तो इंडिया की वकालत की। तो यहाँ जैसे कि देखें हम, तो दोनों तरह के जो मत होने के बावजूद यहाँ दोनों को ही स्वीकार कर लिया गया, मतलब जो जहाँ इंडिया है उसे हम भारत बोलेंगे या भारत या इंडिया, तो दोनों का मतलब क्या होगा, भारत ही होगा। दूसरे एक के अंतर्गत यदि देखें तो देश को संघ बताया गया है, हालांकि संविधान का जो ढांचा है वो संघीय है, मतलब फेडरल है। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उनके अनुसार यदि देखें हम, तो राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण है। जैसे कि हम देख सकते हैं जो भारतीय भारत है हमारा, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। अब समझौते का परिणाम कैसे, मतलब प्रत्येक स्टेट जो है जो समझौता किए हैं उसके अनुसार हम भारत को संघ नहीं बोलेंगे, जैसे कि अमेरिका में होता है। मतलब प्रत्येक स्टेट जो होता है आपस में क्या करते हैं, समझौते, केंद्र और जो राज्य होता है उनका आपस में समझौता होता है, तब कहीं जाकर वहां यूनियन बनता है। पर हमारे भारत में ऐसा नहीं है, मतलब ज्यादा पावर किसकी रहेगी, केंद्र सरकार की रहेगी। अब सेकेंड जो पॉइंट है उसमें क्या बोला गया है, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। अब ऐसा है कि जैसे जो राज्य है वो अपनी इच्छा से यहाँ अंदर तो आ सकता है, मतलब एंटर कर सकता है, जो भारत है भारत का हिस्सा बन सकता है, पर उसे अलग होने का अधिकार यहाँ नहीं है। पर अमेरिका में क्या होता है, वहां स्टेट अपनी इच्छा से अलग हो सकता है और यह विभक्त नहीं हो सकता, मतलब ऐड हो सकता है और बाहर नहीं जा सकता है। पूरा देश एक है जो कि विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है, मतलब प्रत्येक राज्य में क्या होता है, गवर्नमेंट जो रहती है पावर को डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। जैसे देख सकते हैं हम, सभी स्टेट में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होते हैं और जो क्या करते हैं वहाँ अपनी अपनी जो व्यवस्था उसको देखते हैं, और जो केंद्र सरकार है उससे क्या कर सकते हैं, मिलजुल कर कार्य यहाँ करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम, तो जो भारत है हमारा 29 स्टेट, मतलब वर्तमान में कितने स्टेट यहाँ पे, अभी 29 स्टेट है। तो यहाँ जैसे कि देख सकते हैं हम, तेलंगाना पहले क्या था, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तो इसको तोड़कर क्या कर दिया गया है, अलग बना दिया गया, मतलब यहाँ अलग, यहाँ अंदर के अंदर क्या कर सकते हैं, अलग बनाया जा सकता है। पर यहाँ का जो हिस्सा है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश को हम सोचते हैं कि चाइना को दे दें, तो ऐसा नहीं होगा, पर यहाँ इसको तोड़कर 10 टुकड़े कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को 4-5 टुकड़े हम कर सकते हैं, पर इसको उठाकर बाहर जो अदर कंट्री है उसको नहीं दे सकते, मतलब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करने की जरूरत यहाँ पड़ेगी। अब जैसे अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, इसके अनुसार यदि देखें तो भारत को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो जैसे कि देख सकते हैं भारत के क्षेत्र यानी कि जो स्टेट्स है उसके 29 स्टेट, उनको हम बोल सकते हैं। फिर संघ क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 7 है अभी टोटल। और ऐसे क्षेत्र, मतलब इसको नहीं भूलना है, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय पर भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित, मतलब कब्जे में किया जा सकता है, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मतलब 3 श्रेणियों में ये तीनों चीजें अवेलेबल है। और इसके अलावा देखें तो राज्य एवं संघ साथी जो राज्य के नाम, उनके विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। और अभी वर्तमान में कितने स्टेट हमारे, 9 है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 7 है। तो टोटल मिलाएं तो जैसे इन सभी को हम बोल सकते हैं, और जो अधिकृत किया जाना है इन सभी को मिला के हमारा जो है भारत बनता है।
राज्यों के संदर्भ में संविधान के प्रबंध की जो व्यवस्था है सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगी। सिर्फ किसे छोड़ दिया जाएगा? जो जम्मू कश्मीर है उसे छोड़कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा यहाँ प्राप्त किया गया है, मतलब इसका पृथक संविधान है खुद का। तो इसको छोड़कर सभी जो क्षेत्र है मतलब सभी राज्यों में समान रूप से यहाँ व्यवस्था लागू होगी। हालांकि जो है कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे कि इनमें क्या क्या शामिल है, जैसे हम देख सकते हैं महाराष्ट्र इसके अंतर्गत, गुजरात है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक, ये जो है कुछ स्पेशल स्टेट्स का दर्जा इनको प्राप्त कर दिया गया है, तो इनको भी यहाँ थोड़ा हम छोड़ सकते हैं। जैसे इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो पांचवी और छठी अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था यहाँ की गई है। तो जैसे कि देखें तो भारत के क्षेत्र और भारत का संघ, तो जैसे कि भारत का संघ मतलब फेडरल, जैसे अमेरिका में सिस्टम है, तो ये वाला जो सिस्टम है ये वाला किससे ज्यादा मतलब इसके अपेक्षा ये वाला ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये देख सकते हैं हम यहाँ भारत के क्षेत्र में सिर्फ मतलब हमारा जो संघ है मतलब क्षेत्र बस नहीं आ सकते, मतलब ये जो टोटल चीज है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखे जो स्टेट है उसके बाद हम देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश और जो बाहर से अधिग्रहित किए जाने वाले हैं सभी स्टेट इसके अंतर्गत आ सकते हैं, पर भारत का संघ यानी इसके अंतर्गत क्या आएंगे, सिर्फ स्टेट आएंगे। तो ये इससे ज्यादा व्यापक अर्थ कौन है, ये इसका है भारत के क्षेत्र का, क्योंकि बाद में केवल राज्य शामिल है और पहले वाले में इस केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, अधिग्रहित किए जाने वाले भी और स्टेट भी, तीनों चीजें यहाँ शामिल है। तो ज्यादा अर्थ किसका व्यापक है, पहले वाले का, बाद वाले में सिर्फ स्टेट शामिल है। जबकि पहले वाले में हमने देख लिया सभी चीजें यहाँ शामिल है जिन्हें क्या किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है, ये भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। संघीय व्यवस्था में राज्य सदस्य है और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे के हिस्सेदार है, जैसे कि देख सकते हैं हम हमारे जो संविधान है उस पर सातवीं अनुसूची मतलब सेवन शेड्यूल है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं तीन सूचियां है मतलब तीन लिस्ट है जिसे हम बोल सकते हैं स्टेट लिस्ट कौन मतलब जो होता है सेंट्रल लिस्ट होता है, फिर स्टेट लिस्ट होता है और कॉन्करेंट लिस्ट होता है। ये तीन प्रकार की लिस्ट, जैसे सेंट्रल लिस्ट में क्या होता है स्टेट जो केंद्र है मतलब भारत है उससे संबंधित जो उनके पावर है उसका वर्णन वहां किया गया है। स्टेट लिस्ट की यदि बात करें तो राज्य के द्वारा जितने भी पावर है उनका वर्णन किया गया है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के द्वारा मिलजुल कर जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो वो उसका वर्णन किसमें किया है कॉन्करेंट। तो इसी प्रकार यहाँ बोला गया है केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में राज्य हिस्सेदार होते हैं। दूसरी तरफ यदि देखें तो संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र के द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र है उनको सीधे केंद्र शासित जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा उनका प्रशासन होता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम जो संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और जो अधिग्रहित किए जाने वाले हैं तो उनको जो है सीधे केंद्र के द्वारा प्रशासन वहां किया जाता है। जैसे अब कुछ ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जो संप्रभु राज्य है मतलब हमारा जो भारत है संप्रभु राज्य होने के नाते भारत जो है अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत क्या कर सकता है विदेशी क्षेत्र मतलब जो अन्य कंट्री के हिस्से हैं उनको भी अधिग्रहण कर सकता है एक अंतरराष्ट्रीय कानून के माध्यम से। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे रियासत के जो है उनको संधि के अनुसार या खरीद कर या उपहार के रूप में या लीज के रूप में इनको अपने अंतर्गत ले सकता है। उसके अलावा देख सकते हैं व्यवसाय जिसे भी अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिग्रहित नहीं ना किया हो ये भी इसके अंतर्गत अधिग्रहित किए जा सकते हैं, या फिर जीत या हार कर भी इसे क्या किया जा सकता है अपने अंतर्गत लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि देखें तो भारत में संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया, जैसे कि दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीप, पुदुचेरी एवं सिक्किम, इन सभी को क्या किया गया है अधिग्रहित किया गया है। अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया है, संसद को शक्ति दी गई है किस प्रकार की, जैसे कि देख सकते हैं हम ये विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो कि ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद जो है दो शक्तियों का प्रावधान यहाँ किया गया है। तो दो शक्ति कौन कौन सी है, जैसे कि नए राज्यों का भारत के संघ में शामिल, अब नए राज्य कौन से जो पहले से अवेलेबल हो, अब ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि जो नए राज्य है उनको नया बनाया जाए, मतलब पुराने जो बने हुए हैं पहले से बने हुए राज्यों को क्या करना भारत में शामिल करना, ये पहली शक्ति किसको प्राप्त है संसद को मतलब पार्लियामेंट को। और दूसरी शक्ति क्या प्राप्त है, नए राज्यों का गठन, मतलब यहाँ बोल सकते हैं हम कि जैसे जो हमारा पहले से बना हुआ भारत है मतलब 29 स्टेट थे हमारे और आंध्र प्रदेश को तोड़कर हमने क्या कर दिया तेलंगाना की स्थापना कर दी, तो नए राज्य का गठन मतलब जो राज्य बने हुए उनको तोड़कर हम दो चार हिस्से बना देते हैं, उनकी पावर भी किसको दी गई यहाँ पे संसद को दी गई है।
अब बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, तो इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, मतलब संसद को ऑथोराइज किया गया है किसके लिए, जैसे देख सकते हैं हम, पहला किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिलाकर। अब यहाँ बात कर सकते हैं हम, जैसे कि हमारा जो भारत है तो भारत में छोटे छोटे स्टेट है कुछ, जैसे मान लीजिए गोवा है या फिर बोल सकते हैं सिक्किम है, तो जो छोटे स्टेट है वो सरकार को मतलब जो केंद्र सरकार उसको अच्छे नहीं लग रहा है, तो वो क्या करेंगे किसी दूसरे स्टेट मतलब अगल बगल वाले जो भी स्टेट है उनसे जोड़कर उनको क्या कर देंगे एक कंप्लीट मतलब स्टेट बना देंगे और एक नाम दे देंगे। जैसे गोवा को मिला दिए किसमें, कर्नाटक में, तो उसको एक नाम दे दिए उन्होंने क्या, गोवा पूरे कंप्लीट एरिया को। तो इसका पावर भी किसके हाथ में है, संसद के हाथ में है। उसके अलावा दूसरा यदि देखें तो क्षेत्र को मतलब किसी राज्य के क्षेत्र को यह बढ़ा सकेगी, फिर क्षेत्र को क्षेत्र जो है मतलब किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी, मतलब घटाकर क्या करना अन्य राज्य को दे देना या बढ़ा देना दूसरे राज्य का मिलाकर उसमें। उसके अलावा देख सकते हैं सीमा में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम में भी ये परिवर्तन कर सकेगी। ये सभी शक्तियां किसको है, मतलब ये ऑथोराइज्ड कौन है, संसद। अब जैसे यहां हम देख सकते हैं हमने बात की है जैसे गोवा है, तो गोवा क्या है यहाँ छोटा सा राज्य क्या हो रहा है केंद्र सरकार को खटक रहा है, तो ये इसे क्या कर देगी यहाँ कंप्लीट एरिया बना देगी यहाँ पे और कर्नाटक को इसमें मिलाकर क्या नाम दे देंगे गोवा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं अब छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ ही है, फिर से इसको क्या कर सकती है केंद्र सरकार मतलब संसद ये टोटल मिलाकर इसको मध्य प्रदेश नाम दे सकती है यहाँ पे, या फिर अन्य राज्य को भी यहाँ मिलाकर वो क्या कर सकती है क्षेत्र का नाम या फिर जो भी है नाम बदल सकती है। ये सारी चीजें पावर किसके हाथ में है, संसद के हाथ में है। अब जैसे कि इस संबंध में जो अनुच्छेद 3 में दो शर्तों का उल्लेख किया गया है, कौन कौन सी, जैसे उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित जो भी कोई अध्यादेश है वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, मतलब बिना राष्ट्रपति की मंजूरी की ये सभी जो पावर है वो एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। और इसके अलावा यदि देखें तो संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को मतलब एग्जीक्यूट होने से पहले जो अध्यादेश उससे संबंधित जो भी राज्य है उसके विधानमंडल का जो मत है मतलब उसकी जो भी इच्छा है उसके जानने के लिए भेजा जाता है और यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। अब जैसे कि निश्चित समय के समय सीमा के भीतर जो राज्य विधानमंडल है उसका मत प्राप्त हो गया, तो उस स्थिति में भी यदि चाहे राष्ट्रपति या संसद तो राज्य विधानमंडल का मत को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, मतलब यदि राज्य विधानमंडल ने हाँ बोल दिया है तो राष्ट्रपति या संसद क्या होगा उसके लिए बाधित नहीं होंगे कि उसको कंपलसरी मानना है स्वीकार करना है। इसका जो अधिकार है राष्ट्रपति का या संसद का वो स्वीकार भी कर सकते हैं उसे और अस्वीकार भी कर सकते हैं, भले ही उसका मत क्या हो समय पर आ गया हो, ऐसी कोई पाबंदी नहीं रहती यहाँ पर। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि जो है संसद जब उचित समझे स्वयं अपना कदम उठा सकती है बिना जो राज्य है उसके बगैर। अब जैसे कि देखें हैं तो इस तरह यह स्पष्ट है कि संविधान जो है संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने, सीमा में परिवर्तन करने, उससे संबंधित बिना राज्य की अनुमति से ये कदम उठा सकती है, कौन, संसद। अर्थात संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण मतलब नक्शे को वो तोड़ मरोड़ सकती है, कुछ भी उल्टा सीधा बनाकर भाई दूसरे राज्य में शामिल कर दे और नक्शा को बना दे, ये सारे पावर संसद के पास होते हैं। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। क्षेत्रीय एकता बोले तो भाई सभी राज्य मिलकर यहाँ क्या बनाएंगे, पूरा संघ है हमारा बनाएंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। वो क्या कर सकता है भारत को दो हिस्सों में भी बांट सकता है, चार हिस्सों में भी, ये सारी चीजें या अस्तित्व को वहां गारंटी नहीं दी गई है। अतः भारत को सही कहा गया क्या, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, मतलब राज्य यहाँ 10 टुकड़े हो सकते हैं पर जो संघ है संघ एक ही बना रहेगा, मतलब इंडिया या भारत। तो भारत जो रहेगा एक ही रहेगा पर स्टेट की संख्या वहां बढ़ सकती है या घट भी सकती है, 29 है 29 की जगह 50 भी हो सकते हैं या फिर वहां 15 भी बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या बोला गया है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ बोला गया है। और इसी के यदि विपरीत बोले तो अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका में क्या होता है अविभाज्य राज्यों को, मतलब राज्य वहां अविभाज्य नहीं होते हैं और अविभाज्य संघ, तो क्या होता है राज्य भी अविभाज्य नहीं हो सकते और जो संघ है मतलब उसको भी अविभाज्य नहीं किया जा सकता, वो क्या कर सकते हैं बिना उसकी संबंधित राज्य की परमिशन से वहां फेरबदल नहीं कर सकती केंद्र सरकार अमेरिका के अंतर्गत, पर हमारे यहाँ भारत में संसद को पूरी शक्ति यहाँ प्राप्त है। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती इंडिया के अंतर्गत।
दूसरी तरफ यदि अमेरिका की बात करें तो क्षेत्रीय एकता और राज्यों के अस्तित्व की जो संबंध जो गारंटी है संविधान के द्वारा दी जाती है यहाँ पे, पर हमारे यहाँ भारत में इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी जो सीमा है बिना राज्य के जो है मतलब संबंधित राज्य की अनुमति के बगैर नहीं कर सकती। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की, मतलब संविधान में स्वयं क्या घोषित किया गया है कि जो नए राज्य है नए राज्यों का प्रवेश या गठन किया जा सकता है, किसके अंतर्गत पावर दी गई है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, और नए राज्यों का निर्माण सकता है। फिर उसके बाद देखें तो सीमाओं और क्षेत्रों तथा नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, इस प्रकार के जो उपबंध है किसमें है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिए हैं, और इन सभी को जो है संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब संसद के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे इन इस प्रकार के तो क्या किया जाएगा उसे 368 का जो है संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उसे नहीं जोड़ा जाएगा। अर्थात इस प्रकार के जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो सामान्य बहुमत मतलब सिंपल मेजोरिटी और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित कर दिए जाते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, क्या संसद को यह अधिकार भी है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर सकता है, मतलब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को भी दे दे। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है कब आया, 1960 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया, तो उच्चतम न्यायालय के सामने आया ये क्वेश्चन। तो केंद्र सरकार का निर्णय क्या है, जो बेरुवारी संघ मामला था पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो उसने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया था। तो उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में क्या कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा को समाप्त करने मतलब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। मतलब जैसे बोला जा रहा है यहाँ कोई भी स्टेट की बात कर लेते हैं हम, जैसे राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश को उठाकर पाकिस्तान को दे मतलब क्या चाइना को हम दे नहीं सकते हैं, ये पावर संसद के पास नहीं है। तो इस प्रकार का जो भी मतलब मत है क्या बोलते हैं डिसीजन लिया जाएगा वह यह इस प्रकार का जो कार्य है 368 मतलब संविधान संशोधन के तहत किया जा सकता है, और इस तरह जो है 9वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को जो ईस्ट पाकिस्तान हमारा बांग्लादेश उसमें स्थानांतरित इसे कर दिया गया। दूसरी तरफ यदि बात करें तो 1969 में उच्चतम न्यायालय ने क्या व्यवस्था की कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, विवाद विवाद के समय जब सीमा निर्धारण होता है तो उस समय इसको संशोधन करने की जरूरत नहीं है, यह कार्य जो है कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव जो होती है उसके द्वारा किया जा सकता है, और भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है इसमें। मतलब विदेश को सौंपना होगा तो किसके अंतर्गत आएगा, 368 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा यदि विवाद की बात है तो विवाद का जो हल है मतलब विवाद का सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए कार्यपालिका सीधे उसका हल निकाल सकती है, मतलब संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है वहां पर। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुआ, जैसे देख सकते हैं हम देशी रियासतों का एकीकरण के बारे में। तो आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी, कैसे, ब्रिटिश प्रांत थे जहां पर सीधा सीधा ब्रिटिश का शासन था, और देशी रियासतें थी जहां पर ब्रिटिश का राजा है और वहां के जो शासन थे मतलब जो शासक था वो तो था पर ब्रिटिश राजशाही का वहां संबंधित इनडायरेक्टली क्या था, कंट्रोल था। मतलब इनडायरेक्टली तौर पे हम बोले तो ब्रिटिश का ही कंट्रोल था वहां, पर नॉर्मली हम देखें तो वो देशी रियासतें थी। तो ये दो दो इकाइयां थी आजादी के समय, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र मतलब 2 पृथक जो प्रभुत्व वाले देश है उनका उदय हुआ, कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान। तो इसके पश्चात जो है बहुत सारे क्वेश्चन आए सामने हमारे, तो देशी रियासतों को 3 विकल्प यहाँ दिए गए, कौन कौन से, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर खुद स्वतंत्र रहो। तो इसी के तहत यदि देखें हम तो 552 देशी रियासतें थी टोटल, तो भारत की भौगोलिक सीमा में थी ये देशी रियासतें थे, तो 549 क्या हो गई, आसानी से इसमें शामिल हो गई। बची कितनी, 3 रियासतें, कौन कौन सी, हैदराबाद है, जूनागढ़ और कश्मीर। तो इनने क्या कर दिया, इसमें भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, और कुछ समय बाद क्या हो गया, ये आसानी से मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि भाई जोड़ तो गए बाद में, पर इनके लिए कुछ शर्तें थी, जैसे कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा हमारे भारत में ऐड किया गया, उसके बाद जूनागढ़ को देखें हम तो जनमत के द्वारा इसे ऐड किया गया, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा हमारे भारत में शामिल किया गया। अब शामिल तो हो गए, पर 1950 का जो संविधान है उसमें भारतीय संघ को है 4 भागों में वर्गीकृत किया, कौन कौन से, जैसे कि भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में का है, भाग 2 में खा है,
तीसरे में ग है और घ है। तो इन सभी में टोटल जो स्टेट थे मतलब इनकी जो सभी संख्या थी 29 थी। तो जो भाग का है, भाग का में कौन कौन से राज्य थे? वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का सीधा सीधा शासन था। और भाग खा में क्या थे? टोटल 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। गा की यदि बात करें हम, तो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। और इसके अंतर्गत यदि देखें हम, तो भाग गा में भी कुल जो है 10 राज्यों का केंद्रीय शासन था, केंद्रीय शासित प्रदेश एक तरीके से हम बोल सकते हैं। और घा में सिर्फ एक ही चीज थी, कौन 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 था? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ओनली वन था इसमें। तो इसी के तहत लिस्ट देखते हैं हम, तो यहां हम देख सकते हैं का में कौन कौन से थे, जैसे असम था, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। खा की यदि बात करें तो इसमें भी टोटल 9 थे, कौन कौन से? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, उसके बाद देखें तो मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। और गांव में कौन थे? गांव में टोटल 10 थे, कौन कौन से? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, उसके अलावा देखें तो हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और घा की यदि बात करें तो ओनली वन मतलब अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत था। तो ये था दोस्तों क्या हमारा इंडिया जो यूनियन है, यूनियन एवं उसकी टेरिटरी मतलब जो संघ है भारत हमारा, उसके क्षेत्र उनके बारे में हमने देखे। तो जो अगला वीडियो आएगा इसी से संबंधित रहेगा, वो उसमें हम कंप्लीट जैसे कि कौन कौन सा स्टेट कब बना, नामों में परिवर्तन क्या हुआ उनका, कैसे उनको भारत में ऐड किया गया, ये सारी चीजें हम उस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जितना अधिक आप शेयर करेंगे लोगों का फायदा हो जाएगा। और साथ ही आपने यदि अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।